मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था अपना एओटिक स्टेनोसिस टॉपिक, और एओटिक स्टेनोसिस में हमने पढ़ लिया था अपना एओटिक स्टेनोसिस के क्या क्या कॉज हैं और एओटिक स्टेनोसिस के क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एओटिक स्टेनोसिस में उसकी डायग्नोसिस के बारे में और क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एओटिक अगर स्टेनोसिस किसी पेशेंट को है उसके हमें सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और उसमें वो कॉज भी हमें पता लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डायग्नोसिस उसकी नहीं हो पा रही है। वो डायग्नोस हम कैसे करेंगे कि उसको एओटिक स्टेनोसिस ही है पेशेंट को, किसी कोई और वाल्वुलर हार्ट नहीं है, सिर्फ एओटिक स्टेनोसिस है। तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, वो होता है पहला तो जो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो उसको ऑस्कल्टेट करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है और ऑस्कल्टेट करके उसको देखता है। तो जब स्टेथोस्कोप हम लगाते हैं तो उसमें एक मर्मर साउंड देखने को हमें मिलती है, और उस मर्मर साउंड को हम बोलते हैं एक अलग टाइप की, उसमें मर्मर साउंड देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो टाइप ऑफ मर्मर। तो उसमें क्या होता है, देखिए हमारे हार्ट में दो साउंड आती है, एक S1 साउंड होती है और एक S2 साउंड होती है, ठीक है। पहली जो S1 साउंड होती है वो आती है हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के बंद होने पर, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं, जैसे कि ये एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये मिट्रल वॉल्व है। जब ये वॉल्व बंद होते हैं, दोनों एक साथ क्लोज होते हैं, तब जो पहली साउंड आती है उसे बोलते हैं हम S1 साउंड। और जब पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व, जो हमारा एओर्टिक वॉल्व की बात हो रही है, जब ये दोनों बंद होते हैं तब आती है हमारी S2 साउंड। समझ रहे हैं आप, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के बंद होने पर कौन सी साउंड आएगी, S1 साउंड। पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व के बंद होने पर कौन सी साउंड आएगी, हमारी S2 साउंड, ठीक है। एक नॉर्मल साउंड हमारी आती रहती है, लेकिन क्या होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस है, ये बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा टफ हो गए, वॉल्व ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ पे यहाँ डायस्टोल होगा, ब्लड यहाँ जमा होगा, और जैसे यहाँ सिस्टोल होगा, तो जिस्टोल होने से पहले क्या होगा, पहले वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि बैक प्रेशर ना जा सके, तो उसके लिए पहले एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं। जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं तो S1 साउंड आती है, तो S1 साउंड पहले क्रिएट होगी, उसके बाद जैसे ये हार्ट प्रेशर लगाएगा, तो क्योंकि ये वॉल्व बहुत ज्यादा टफ हो गए, तो यहां से ब्लड जब निकलेगा तो एक साउंड क्रिएट करते हुए वो जाएगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि बहुत प्रेशर से ब्लड जा रहा है, लेकिन ये रास्ता बहुत छोटा है तो उसमें एक आवाज आएगी, और जैसे ही ये पुश करेगा तो आवाज पहले क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर जहां पे वॉल्यूम जैसे कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, तो साउंड पहले क्या होगी, पहले क्या है, साउंड धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर जब वॉल्यूम ब्लड का कम हो जाएगा तो धीरे धीरे साउंड घट जाएगी। तो इस टाइप की जो हमें मरमर देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर, मतलब पहले बढ़ेगा फिर वो घट जाएगा। तो S1 साउंड का भाई, पहले वॉल्व बंद हुए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हुए, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होने के बाद ही हमारा सिस्टोल यहाँ पे स्टार्ट होगा, और जैसे सिस्टोल स्टार्ट होगा यहाँ से ब्लड जाना शुरू होगा, तो यहाँ पे एक मर्मर स्टार्ट होगा, ये साउंड स्टार्ट होगी और ये साउंड धीरे धीरे बढ़ेगी, और जैसे ये साउंड बढ़ जाएगी उसके बाद ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे साउंड घटना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जब ये ब्लड पूरा पंप हो जाएगा उसके बाद क्या है, ये दोनों ये वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व बंद हो जाएंगे और ये वॉल्व खुल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व बंद होंगे तो सेकंड हार्ट साउंड हमारी आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये S1 और S2 साउंड, S2 के बीच में ये बार बार हमारा क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो टाइप ऑफ मर्मर क्या है, हमारा देखने को मिलता है, इसमें रहेगा। अब ये कहाँ पे सुनने को मिलेगी साउंड हमें, ठीक है, तो जो हमारा एओर्टिक वॉल्व होता है वो होता है हमारा सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, जो हमारा सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, मतलब सेकेंड जो रिब है और थर्ड रिब के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे, और कहाँ पे होगा ये, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे, मतलब स्टर्नम के जस्ट बगल में और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, अगर हम स्टेथोस्कोप लाएंगे तो वहां हमें मर्मर सबसे अच्छा सुनने में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद ये फर्स्ट टेस्ट हमारा हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप का टेस्ट हो गया हमारा, कि हम टेस्ट तो नहीं, मतलब ये कंफर्म टेस्ट नहीं, मतलब फिर भी हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस है, मर्मर साउंड से, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर से हम इसको एक एज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए उसके बाद फिर हम करा सकते हैं इसमें ईसीजी। तो ईसीजी में क्या देखने को हमको मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जब आप ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पता हम कैसे लगाएंगे,
इसमें आर वेव हमें मिलेगी V5 और V6, V5 और V6 लीड में आर वेव बहुत हमें टॉल मिलेगी, बहुत हाई मिलेगी, और एस वेव जो है हमें V1 और V3 में बहुत क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ये दो हमारे पता लगाने के इसमें तरीके हैं। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है उसमें तो डॉक्टर्स उसको समझ जाते हैं देख के, जिनको भी ECG रीड करना आता है वो इसको समझ सकते हैं। तो आर वेव और एस वेव क्या है हमारा, V5 V6 में आर वेव और एस वेव V1 V3 में हमें हाई देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, क्योंकि ये बार बार हार्ट, यहाँ पे हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा, तो लोड पड़ने की वजह से ये मसल क्या है इसकी बड़ी हो जाएगी, इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो इस मसल की हाइपरट्रॉफी का हमें किससे पता लग जाएगा, इस चीज से हमें इस बात का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है, अर्ली स्टेज में भले ना पता लगे, मान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज है, और स्टार्टिंग स्टेज में इतनी जल्दी तो हाइपरट्रॉफी होगी नहीं, धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी डेवलप होगी। ठीक है, धीरे क्या है इसमें हाइपरट्रॉफी डेवलप होगी। तो जब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, फिर है हमारा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा और लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट। देखिए, क्योंकि ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है सही से, पूरा प्रेशर तो लगा रहा लेंगे, यहाँ पे वॉल क्लोज है, तो बैक प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ना जाने की वजह से ब्लड यहाँ जमा होगा, जमा होने की वजह से फिर यहाँ से बैक फ्लो करेगा, बैक फ्लो से एट्रियम में जमा होने लगा, फिर यहाँ से बैक फ्लो करेगा, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है। तो ये हमें देखने को किसके अंदर मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा हमारा चेस्ट एक्सरे में, हम इसको देख सकते हैं। फिर हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट में मिल सकता है। उसके बाद हम करा सकते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये तो इससे भी हम एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है हमारा इकोकार्डियोग्राफी। तो इको एक प्रकार का 2D हमारा क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, और इसमें हम इको कराएंगे। तो इको में हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉल्व जो हमारा वॉल्व है, अगर उसका साइज, ओपनिंग साइज जो है 1 cm² से कम हो जाए, उसमें हमें देखने को मिलेगा, अगर वॉल्व की जो ओपनिंग है 1 cm² से अगर कम है, तो ये क्या है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस है, वो भी सीवियर। और अगर वेलोसिटी, क्योंकि वॉल का ओपनिंग बहुत कम है, तो ओपनिंग अगर यहाँ कम है तो यहाँ से ब्लड जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या है, बढ़ेगी। ओपनिंग अगर छोटी होगी और प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड क्या है, बढ़ेगी। तो ब्लड की अगर स्पीड जो है 4 m/s से ज्यादा है वेलोसिटी, किसकी, ब्लड की, ठीक है, तब भी हमारे यहाँ पे हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस है। और तीसरा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है इसका 55 से कम देखने को मिल रहा है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो हम उससे क्लियर कर सकते हैं, इन तीनों पैरामीटर से हम क्लियर कर सकते हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस है। ठीक है, तो ये रहा इसका डायग्नोसिस का, कि हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट में अभी फिलहाल तो ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि वॉल में अगर ये प्रॉब्लम है इसे हम मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। अब इसमें क्या क्या सावधानी वाली बात है, जो लगभग सभी प्रकार के और जितने भी मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल स्टेनोसिस है, मिट्रल रिगर्जिटेशन है, जो भी उसमें मेडिसिन चलती है, जैसे वीनोडायलेटर है, बीटा ब्लॉकर है, CCB है, ARB है, जितनी भी मेडिसिन हार्ट की चलती है, BP लो करने की चलती है, वो सब इसमें क्या है, अवॉइड है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लड को पंप कर रहे हैं लेकिन ब्लड यहाँ से अच्छे से निकल नहीं पा रहे, तो उसमें ब्लड का प्रेशर वैसे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ब्लड प्रेशर वैसे पेशेंट का क्या है, फॉल करेगा, लो रहेगा, हाइपोटेंसिक वो रहेगा पेशेंट, और उसके वजह से ब्रेन की सप्लाई भी कम हो सकती है। तो अगर हम उसको वैसो डायलेटर, वीनो डायलेटर वगैरह देंगे या बीटा ब्लॉकर देंगे, अगर बीटा ब्लॉकर देंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, और वैसे ही ब्लड पंप नहीं हो रहा, हार्ट रेट कम होने के बाद ब्लड का जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो और कम हो जाएगी, तो इसको भी नहीं सकते। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो भी हमारी आर्टरी वगैरह को डायलेट करेंगे तो उससे भी प्रेशर कम होगा, तो ब्रेन की सप्लाई कटआउट हो सकती है ना, बीपी लो हो सकता है। तो ये सब जितने भी ड्रग है हमारे, AC इनहिबिटर है, ARB है, ये सब हम पेशेंट को अवॉइड करते हैं। फिर है एक्सेसिव एक्सर्शन, मतलब पेशेंट ज्यादा एक्सरसाइज ना करे, बहुत ज्यादा वर्क करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ की आर्टरी डायलेट होगी, और इस डायलेट होने की वजह से यहाँ ऊपर का जो हमारा बॉडी का सर्कुलेशन का जो प्रेशर है वो क्या है, ड्रॉप कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, ब्रेन की जो सप्लाई है, ऑर्गन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जिससे ऑर्गन फेलियर भी पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा, ये चीजों को हमें अवॉइड करना है। फिर है हमारा क्या ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट में हम इसमें क्या दे सकते हैं, पहला होता है हमारा परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस बलून वॉल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे
क्या करते हैं, एक बैलून को यहाँ पे पहुंचाते हैं इस तरीके से, जाता है वायर, एक वायर जाती है और इसमें एक बलून होता है अंदर बंद। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये वायर पहुंच जाती है पूरी, तो इसमें क्या है, ये बलून जो है एकदम से फूलने लगता है। जैसे ये बलून फूलेगा तो ये बलून क्या करेगा, इस वॉल को फैला देगा, ठीक है, क्या करेगा, खोल देगा, ओपन कर देगा इस बलून को, क्या करेगा, ये बलून जो है वॉल को क्या करेगा, ओपन करेगा। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है स्टिनोसिस, ठीक है, तो इसमें इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज करके हम क्या है, थोड़ा बॉल को अपना ओपन कर सकते हैं, इसके वजह से उसकी थोड़ी इलास्टिसिटी बढ़ जाए। तो परक्यूटेनियस बलून वॉल्वलो प्लास्टिस में हम कर सकते हैं, इमेज में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर यह है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर लास्ट में अगर बहुत ज्यादा सीवियर, अगर सीवियरली बहुत ज्यादा स्टिनोसिस हो गया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, वाल्व का रिप्लेसमेंट करते हैं। और वाल्व रिप्लेसमेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैकेनिकल वाल्व और एक बायोप्रोस्थेटिक वाल्व। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा दो टाइप के वॉल्व होते हैं। तो देखिए, एक मैकेनिकल वॉल्व होता है, जो मैकेनिकल वॉल्व है वो हमारा बना होता है एक मेटल से, उसमें मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है, मेटल का यूज करके उस वॉल्व को बनाया जाता है। और ये जो मैकेनिकल वॉल्व है, अब इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जो मैकेनिकल वॉल्व होता है, क्योंकि उसमें मेटल है, तो उसमें क्या है, क्लॉट बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो क्लॉट बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इसके वजह से क्या है, अगर पेशेंट का मैकेनिकल वॉल्व पेशेंट में लगाया गया है, तो उसको लाइफ टाइम क्या है, हमारा एंटीकॉगुलेंट्स ड्रग्स खाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या है, हमारा यहाँ पे क्लॉट ना बन सके। क्योंकि क्लॉट अगर बन गया तो उससे वॉल्व भी बंद हो सकता है, वो क्लॉट ब्रेन में जाके फंस सकता है, तो पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ये सब चीजें भी इसमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छे इसमें खास बात यह है कि प्रोलॉन्ग होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक, 20-25 साल तक भी ये अच्छे से पेशेंट के अंदर काम कर सकता है। उसके अलावा हम बात करें अगर बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व के, तो बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व जो होते हैं, इसमें इसका हम कैसे बनाते हैं इसको, इसमें हम टिश्यू का यूज करते हैं, कोई भी एनिमल होता है उसके हार्ट का जो पेरिकार्डियम है उसका, या हार्ट का जो वॉल्व होता है उसका यूज करके हम उस वॉल्व को बनाते हैं, और उसको हम पेशेंट के अंदर चेंज कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसका। और इसका फायदा ये है कि इसके अंदर, क्योंकि इसमें टिश्यू का यूज किया गया है, तो इसमें क्लॉट बनने के चांस नहीं होते हैं, तो पेशेंट को लाइफ टाइम जो है क्लॉट के लिए जो एंटीकॉगुलेंट ड्रग है वो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वॉल्व जो है सिर्फ 10 साल के लिए ही चल पाते हैं, 8 से 10 साल ये चल पाते हैं। तो ये उन पेशेंटों में लगाया जाता है जिनकी लाइफ, मतलब अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा अब नहीं जी पाएंगे, तो उनकी अगर मान लीजिए लाइफ हमें लगता है कि 10 साल, 8-10 साल ये 5 साल है, तो उसमें हम बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके फायदे और नुकसान है। एक तो मैकेनिकल वॉल्व हम किस में लगाएंगे, ये आपका सर्जन ही तय करता है कि हमें इस पेशेंट में मैकेनिकल वॉल्व लगाना है या प्रायो प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाना है। तो सबके अलग अलग कंडीशन है, किसी में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, किसी में ऐसी बीमारियां होती है इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीड करने के चांस होते हैं, तो उसमें हम मैकेनिकल वॉल्व नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें फिर हम एंटीकॉगुलेंट लेंगे तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है उसकी वजह से पेशेंट को, तो उसमें हम बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व लगा सकते हैं। तो मतलब वो कंडीशन के हिसाब से हम तय करते हैं। तो ट्रीटमेंट में अगर आप देखोगे तो वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट और बलून वॉल्वोप्लास्टी ही इसमें एकमात्र ट्रीटमेंट रह जाता है, और बाकी हमें ये मेडिसिन अवॉइड करनी है, ठीक है, किसी भी तरह से। अगर आपने ये मेडिसिन दी तो आप पेशेंट की जान ले सकते हैं। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे, और ये था इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अगर पसंद आई हो लाइक जरूर करें, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें आप नीचे, ठीक है, और कोई जानकारी इससे रिलेटेड चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।